दिस इज बॉय रुद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोग का मेरी और से एक न्यू वीडियो में। तो यार गाइस आज बहुत बेकार रस मचा हुआ है लेग व्यू में, जैसे आप देख सकते हो। वैसे काफ़ी टाइम ही फ्री फ्री रहता है, पर गाइस अभी क्या पता कौन सी गाड़ी थी, 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, तो आराम से होगी, साउंड जाते ही जा रहा था ना। तो गाइस आज एकदम बेकार वाला रस मचा हुआ है लेग व्यू में, तो पूरी गाड़ी शायद से वो गाड़ी इनलाइन फोर थी, उसकी इतना प्यारा साउंड कर रही थी। पर यार आज मतलब इतने समय बाद रात में इतनी सारी भीड़ लग रही है क्यों आज गाइस? मतलब बाइकर्स तो यार लपक के बाइकर्स निकले यार, बहुत सारे बाइकर्स निकले अभी। निकले थे गाइस एक पूरा स्क्वाड निकला था। आप देखो हमारे ग्रुप में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो है नहीं, जो कि ना गाइस साफ बात, एक मेरे पास NS है, एक मेरी ये ड्यूक है, एक एवेंजर है, बस इसके अलावा गाइस गाड़ियाँ नहीं है। तो हम लोग तो नॉर्मल गाड़ी से ही घूमते हैं गाइस। आज मॉल बना हुआ है लेकिन लेग व्यू का। तो यार गाइस आज मेरा पूरा मूड था कि आज मैं चार्टेड से ब्लॉक करूँगा, जो अपनी EV अभी लॉन्च हुई है फिलहाल फिलहाल पे भोपाल पे, तो गाइस उससे ब्लॉक करने का था। पर हमारा बैड लक था गाइस अनलॉकिंग YouTube, कितने चार्टेड वाले अपन ने सेंटर पे ट्राई कर लिया, दो ट्राई कर लिया गाइस, एक तो प्लेटिनम प्लाजा नियर में एंड गाइस एक अपन ने लेग व्यू में ट्राई करा, पर ऐसा कोई भी सीन नहीं बनना है कि अनलॉक हुई है। क्या बोले यार गाइस, कुछ नहीं कर सकते, बस बट वाली बात है यार, क्या करें आप, कोई बात नहीं, कल देखेंगे गाइस ये भी ब्लॉग देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। गाइस आज बहुत अच्छा रस मचा हुआ एंड गाइस यार इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए दिल से सॉरी, बिकॉज यार थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ अभी। क्या गाइस मैं बता रहा हूँ क्लियर तुमको कि अभी मैं दीदी को छोड़ने जाता हूँ कुर्बा कॉलेज, एंड गाइस लेने आता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चले आता है, 1 बजे छोड़ने आता हूँ, 2 बजे तक लेके आता हूँ वहाँ से वापस, उसके बाद फिर वापस छोड़ने आता हूँ, फिर लेने आना पड़ता है। अबे लाइटिंग वाले सूबे मस्त लग रहा है लेकिन, तो गाइस देखो स्पॉटेड लाइटिंग सू लाइट चल रही है भैया, लेकिन उसमें तो 1 नंबर वाली मजा लोड वा लग रहा है। हाँ मस्त भाई, नाचो ना, क्या हो गया मेटल हो गया क्या कुछ? हाँ ब्रो क्लासी मोटो वर्ल्ड, क्लासी मोटो वर्ल्ड रुद्राक्ष सोनी सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, ट्रेंड कर जाएगा। फोन किसका आ रहा है ये लिखा यूजर नेम पीछे, यही है भाई टॉप पे जो आ रहा है, हाँ टॉप पे आ गया होगा, ठीक है ब्रो चलो वेलकम ब्रो। रात में बोटिंग होती है क्या? रात में भी बोटिंग होती है क्या? लाइट वगैरह तो जल रही है उसमें प्रॉपर, अच्छा हाँ हाँ देखा होगा। आज बहुत टाइम बाद बहुत सारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, 9:50 का टाइम हो रहा है, गेम जोन भाई जो बच्चे वगैरह के लिए यहाँ पे गेम जोन वाला भी सिस्टम, ये हो गया है और मैं नहीं खेल सकता यार, अच्छा इतनी एज नहीं है अभी तो। अरे भाई तो थका हुआ था भाई, क्या क्या हो गया, क्या हो गया नंबर प्लेट की टूटी? कौन सी नंबर प्लेट टूटी? ये भैया वहीं से टूटी हुई आ रही है आपकी नंबर प्लेट, कब से टूटी हुई है? अभी की टूटी है भाई, इसने बोला अभी टूटी है, कोई नहीं पता, आप तो पैसे दो। काहे के पैसे, काहे के पैसे, एक इसको ही टूटा होगा यानी हमसे भी टूटा है तो। ओ भैया वो चाबी मच्छी ना, जानता नहीं अभी कौन है तू, मुझे जानता है तू, मुझे भी नहीं जानता अभी कौन है ना, चाबी मच्छी ना, नंबर प्लेट के आप पैसे दो, कौन से पैसे चाहिए और कौन सी नंबर प्लेट तोड़ी हमने, ये तोड़ी है, क्या तोड़ी है ना, नशे में चला रही है क्या गाड़ी, नशे में चला रहा है तू, नशे में चला रहा है गाड़ी, आगे आगे स्लो कर रहा है बार बार, तो ये रोड पे क्या ऐसे भागता रहूं क्या? तो रोड पे तो यहाँ साइड चला तू, आप पैसे दे रहा हो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा पैसे में से पकड़ पे गाइन मर नहीं जाएगी, गाइन मार लूंगा मैं आपकी, गाइन मर जाएगी आप पैसे दे, पैसे 1 रुपये नहीं दूंगा मैं, नहीं पकड़ रहा हूँ तो बुला ले जिसको बुलाते हैं, ना एक साइड में करूँ का दादा जी भी क्या भाई, गजा जी फोकट की पैसे चाहिए, काय के पैसे चाहिए भाई तुमको, पैसे दो
नहीं तो चाबी दो गाड़ी। कौन सी गाड़ी की चाबी दो? क्यों चाबी दो? दे रहा नहीं, दे रहा कुछ भी नहीं दूंगा भाई मैं तो। दे रहा नहीं, दे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। जो करते मैंने कर लो, मैं तो गाड़ी नहीं जान दूंगा यार। तू तो देख, तू तो देख लेंगे ना अपन। अरे पागल समझ रहे हो क्या यार? एकदम ही फोकटी। हम अकेले नहीं आए यहाँ पे, मत सोचो हम भी अकेले आए, मेरे भी चार पांच राइडर्स पीछे हैं। हाँ तुम भी अकेले नहीं आए, गाड़ी में टच भी नहीं हो पहले से थी। रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, गोप्रो लगा है, रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं तुम्हें भाई। आप तो मुझे नहीं पता पैसे दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं निकाल के। अभी मैंने अभी मेरा ध्यान गया, ये कैमरा ही है, पहले से टूटी कैमरा ही है ये। रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं तुम्हें निकाल के। ठोकी क्यों? मुझे नहीं पता ठोकी भाई, टच हुआ है तेरी गाड़ी में, लेकिन ये तेरी नंबर प्लेट पहले से टूटी हुई थी। अभी रिकॉर्डिंग निकाल दूंगा मैं तुम्हें दिखा के। रिकॉर्डिंग दिखाऊं? दिखाओ रिकॉर्डिंग, लाओ दिखा। क्या दिखाओ भाई, तुम हंस रहे हो? तुम्हें पता है क्या यार भाई, वो तो काम नहीं है तुम्हारे पास, काय के पैसे चाहिए? तुम्हारी हंसी बता रही है कि कौन गलत है। वहाँ से तुम्हारी नंबर प्लेट टूटी हुई आ रही है, और तू हमारे सामने आके गाड़ी स्लो कर रहे हो, ना कि हम तुम्हारे सामने आके गाड़ी स्लो कर रहे हैं। या एक साइड चला लो, अपनी लाइन में चला लो, क्या कर लो? या तो आप, मैं पैसे तो एक रुपये नहीं दूंगा भाई, एक रुपये भी नहीं दूंगा मैं। या तो आप पैसे दे दो। कुछ नहीं दे रहा भाई मैं पैसे, मैं तो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ ना, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, दिखाओ ना। हाँ दिखा दूंगा ना भाई तुझे काट के। जा भी देवे, अरे जा यार भाई अपना काम कर। रिकॉर्डिंग है भाई हमारे पास, ये गोप्रो ऑन है, यहाँ से देख लो, ये गोप्रो ऑन है, देख सकते हो तुम। अब तुम्हारी मर्जी, चलना हो तो थाने चल दो, यहीं पास में ही है श्यामला हिल्स, आना है पास में, चलना है थाने? अरे जा यार इंदा, पागल समझ के रखा एकदम, पैसे चाहिए। नशे खत्म कर लो पहले, क्या नशे खत्म कर लो, उतार दूंगा पूरे नशे। पैसे चाहिए क्या? पैसे चाहिए पता है? आधे गर्म भाई, कितना टाइम हो गया हमारे आगे गाड़ी स्लो स्लो चला रहा है, पैसे मांग रहा है। गोप्रो की मैंने बोला रिकॉर्डिंग देख ले तू, तो ले नशे में है ही, लग क्या रहा है वो तो 100% नशे में ही है वो तो। क्या बोलूँ यार गाड़ी, दारू और पीनी होगी, वही पैसे चाहिए मोबाइल रख दे। क्या बोल सकते हैं यार गाइस, देखो चार्टेड के लिए क्या भीड़ लगी हुई है, देख सकते हो ये, देखो पूरे चार्टेड लवर है, इन सबको क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलानी है। 5 minutes later तो गाइस, पहले लीन करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, पर गाइस अब इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पहली बार ही नेट चला रहा था। देखो यार मैंने आपको लोगों को बहुत पहले से बता के रखा है कि मेरा ड्रीम था, जब भी कोई बाइक चलाऊंगा या कोई भी अच्छी बाइक चलाऊंगा तो खुद की चलाऊंगा। गायब हो गए क्या? नहीं भाई, ऐसी गाड़ी चलाना गायब कर देता, गायब। बिकॉज वो जितनी बेचारा पावर लेके आता ना, उतनी में एक गियर डाउन करके कवर कर देता हूँ। कंपेरिजन इतनी नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। पावर एन एस में भी कम नहीं है, क्यों भाग अच्छी रही है पर कंपैरिजन नहीं है, बस वही वाली बात। टूट गया, अब टूट गया तो क्या कर सकते हैं, जान दो। दोनों ने तोड़ दिया साथ में, और क्या